हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को भारतीय नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं एज अ एनसीसी कैडेट, तो मैं सोचा था आप लोग से मैं ये शेयर कर दूं। और मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी भी लेके आया हूँ, जिसमें आप आराम से मतलब एग्ज़ाम दे के अगर आपको अच्छा मार्क्स आता है तो उसमें आप आराम से एक एयरफोर्स के रूप में भी उभर के आ सकते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट समझ सकते हैं यार, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सभी को बोलूँगा यार, एटलीस्ट बार ट्राई करो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन यार इस समय ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो एज अ एनसीसी कैडेट तो मुझे भी मतलब बनाने वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी आप लोग में कुछ अपना बात शेयर करूँगा कि किस मेरा चेहरा जो दिख रहा होगा, अपना ब्लैक दिख रहा होगा, वो ब्लैक नहीं था। मतलब मैं रात भर सोया नहीं था, 3 दिन से सोया नहीं था मैं। आई थिंक 2 घंटे का मैंने स्नैप नेप लिया था। और वो पता ही होगा, जिन लोग जो लोग हैं इसमें काम करते हैं उनको पता ही होगा कि कितना कितना काम करवाते हैं वो लोग, मतलब कितना मेहनत का काम होता है, रात भर जागना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आपको इस वेबसाइट के पर आ जाना है। मैंने इस पर एक ऑलरेडी मैंने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ, वही आपको मैं दिखा दूँगा। तो मैं आपको बस स्टेप बाई स्टेप दिखा रहा हूँ। पहला स्टेप ये, आप तो यहाँ पर रजिस्टर नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर है पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर फुल नेम, आपको अच्छे से फुल नेम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल इंडियन लिखना है, फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर अपना सिक्योरिटी नंबर चुनना है कि आपका पहला नाम क्या था स्कूल का, वो डाल के यहाँ पर आंसर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबमिट करना, आपको फिर मेल आएगा। मेल आने में हो सकता है कि थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगाए, या और हाँ, अपने मेल के स्पैम फोल्डर में भी चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। पासवर्ड मिलने के बाद आप वहाँ पर फिर लॉगिन कीजिएगा वही सेम पासवर्ड से। फिर आपको एक ऑप्शन आएगा रीसेट पासवर्ड, तो रीसेट करके अपना नया पासवर्ड दे दीजिएगा। मैं अब उसके बाद बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हो चुकी है 1 तारीख से, 13th of December तक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 1/1/2022 को तक होनी चाहिए। देख सकते हैं फ्लाइंग जो ब्रांच की एज है, आप देख सकते हैं 20 से 24 एज होनी चाहिए। और जी डी की जो देख सकते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की 20-26 ईयर्स, आई थिंक सभी के 20+ होंगे ये एज। एम केट की जो इसकी एफ केट की जो फीस है वो 250 रुपीज़ है, पेमेंट आपकी ऑनलाइन की होगी। देख सकते हैं इसके जो फ्लाइंग के लिए पोजीशन जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एट 10+2, आई थिंक सभी का मोस्टली सभी का होगा ही 10+2 में, ठीक है। बी ए बीटेक होना चाहिए आपका, 10+2 इंटरमीडिएट विथ 60% मार्क्स इन फिजिक्स, सबका ही होगा, ये होगा 60% तो एवर भी होगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर जी डी का भी देख सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं उनका भी बैचलर डिग्री विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। आप अच्छे से एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। हाइट का बात कर ले तो मेल की 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर अदर्स ये भी देख लीजिएगा, एम बी एम सी के लिए कौन सी डिग्री है, एडुकेशन क्या क्या होनी चाहिए, अकाउंट्स के लिए, ठीक है, मेट्रोलॉजी के लिए, आप यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बात करें आपकी एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देखेंगे तो आपको ड्यूरेशन जो पहला होगा जो जनरल अवेयरनेस का होगा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट 2 आवर्स का होगा। मैं जल्द इस वीडियो में लेके आ जाऊँगा किस तरह से आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। बेसिकली नेट पे बहुत कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आप लोग बस उसका लिंक शेयर कर दूंगा ना, आप लोग वहीं से प्रिपेयर कर लोगे, या फिर मैं भी बना दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन लोग में से बहुत ज़्यादा जो लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और लोग ऑलरेडी ब्लॉग शेयर कर चुके हैं, उन लोग में से बहुत ज़्यादा इसके एक्सपीरियंस है, तो मैं उन लोग का शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, यहाँ देख सकते हैं सारा कुछ है। आपको अप्लाई करना सिंपल, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ऑफिशियल जैसे देख सकते हैं मेरा पर लॉगिन है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैं वीडियो को रोकूंगा क्योंकि मेरा सर डिटेल्स वगैरह शो करेगा इसीलिए, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत होगा आप मुझे जरूर पूछ लिया कमेंट सेक्शन में। इजी प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस मैं जैसे बता रहा हूँ उसे अप्लाई करते रहो, ठीक है। बीच में वीडियो रोक दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये डालना है, इसका जो सिक्योरिटी कोड है वो स्पेस नहीं देना है इसमें, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं लगेगा, इसमें आप सिंपल इसमें अप्लाई करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब आप लोग जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, एफ केट का और एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। तो मैं भी इसमें अप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको इसमें आना है, एफ केट में आना है। एफ केट में आपको देख सकते हैं इस सारा आपको स्टेप क्लियर करना है, इंस्ट्रक्शन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट एग्जाम सिटी, फाइनल सब सब ईजी है फ्रेंड, कुछ भी है उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल अप्लाई है, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इंस्ट्रक्शन में आना है, आप लोग को एक के बाद एक क्लियर करना है। देखिए आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई पढ़ता वैसे नहीं है बट आप लोग पढ़ लीजिएगा 7 कंटिन्यू। यहाँ देखेंगे तो आपका नाम अपना सही से लिखिएगा, ठीक है ना, सब कैपिटल लेटर में नाम लिखिएगा, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, सिके नेम एड्रेस अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी में आपको देखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब कि लाइक आपका कोई हाथ में कुछ दाग वगैरह है या फिर मतलब चेहरा पे कहीं दाग वगैरह हाथ पैर में कटा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं कि कट इन माई लेफ्ट हैंड वगैरह जो भी आपका है, ठीक है।
उसके देख सकते हैं सी ए पी सी पी बी टी स्टेटस, यहाँ पर आप अगर नहीं है तो नोट अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद डू यू हैव करेंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो किसी के पास नहीं होगा नो कर दीजिएगा। आर यू सर्विंग एयरमैन नो, देख सकते दोनों अप्लाई कर सकते। तो मैं मेल हूँ तो मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट मेरिट ईयर, तो अनमेरिड होगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चुनना है, तो मैं अपना फिलअप कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देख सकते हैं मैंने सारे डिटेल्स वगैरह फिलअप करी। इसके आपको सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कह रहे हैं उसके बाद हमने आपको एक नया पेज खुल के आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको लिखना है। देख सकते हैं तीन पोजीशन है, 10+2 ग्रेजुएशन, 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, बहुत लोगों डाउट होगा क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैं गूगल से आप पूछ लिया इसका आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर एफकेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं फाइनल स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। बहुत लोगों का डाउट होगा कि हम लोग एलिजिबल है क्योंकि हम लोग अभी पास आउट नहीं हुए हैं, एलिजिबल है, बट आप लोग का कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। दे डू नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग एट दिस टाइम ऑफ ASSB टेस्टिंग, ओके। आप लोग कोई भी इसमें आपको नहीं होना चाहिए बैकलॉग, ठीक है। अगले साल भी था, देख सकते हैं 2019 में भी उसमें एप्लीकेबल था कि फाइनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस आप लोगों को कन्फर्मेशन के लिए दिखा दिया, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ये 10+2 10+ ग्रेजुएशन। देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, आपको देखना है। देख सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप ए में बीटेक आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए में क्या आपका बी बीटेक मिनिमम 4 ईयर्स, मेरा ग्रुप ए होगा। आप लोग आ जाएगा सबका एक बार देख लीजिएगा आप लोग का, अगर आपका 4 ईयर्स ग्रेजुएशन डिग्री और क्लियर, देख सकते हैं नहीं मेरा ग्रुप बी होगा हम लोग का, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग का जो ब्रांच है आईटी, मतलब जैसे मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ, तो आप लोग मैं अपना वो देख के अपना ये ब्रांच देख के सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना, गलती मत कीजिएगा भरते वक्त, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बी है, तो मैं अपने यहाँ पर बी ले लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका देख सकते हैं सिलेक्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर करना है बैचलर ऑफ बी टेक्नोलॉजी। उसके बाद स्ट्रीम मेरा था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप लोग का कंप्यूटर साइंस दे दीजिएगा। कोर्स ड्यूरेशन तो 4 ईयर्स का मेरा कोर्स था, मैं 4 लिख दिया। कॉलेज का नेम लिखना है, पर यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। एक्सपेक्टेड डेट, अगर आपका कोई भी अभी अनएक्सपेक्टेड है तो आप लोग 30 नवंबर दे सकते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपेक्टेड डेट देता हूँ, आई थिंक मैं 8 दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि तब तक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। मैंने दे दिया यहाँ पर इंटर एग्रीगेट ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो सकता है ग्रोथ परसेंटेज में, तो आप लोगों को निकालना बताता हूँ। जैसे देख लो, मान लो कि आपका जो मार्क्स आया है वो आया है 9.8 CGPA, ठीक है, तो उसको डिवाइड बाय 10 कीजिएगा क्योंकि जैसा इसमें बताया गया था, और इसको मल्टीप्लाई बाय, मतलब इन पूरे को, ठीक है, इन पूरे को मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ठीक है। इसको पहले डिवाइड कर लेंगे हम लोग 10 से, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, जो आएगा आपका कितना आएगा 98%, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर मेंशन है द इक्विवेलेंस वुड बी एस्टेब्लिश बाय डिवाइडिंग द कैंडिडेट CGPA बाय द मैक्सिमम पॉसिबल CGPA, मतलब 10 एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट विथ 100, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ्लिप कर देता हूँ अपना। फिजिक्स का मास एंटर करना है, मैं सबको एंटर करके मिलता हूँ आपको। और हाँ, अगर आपका बैकलॉग होगा तो देख सकते हैं डाट बताएगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो यहाँ पर नो करना है आपको, ठीक है। यस होगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फिलअप करेंगे उसके सामने आपके सामने ये आएगा, 2 हो चुका है फिलअप, जैसे से हमें नेक्स्ट करेंगे आप ये ऑप्शन आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी आपको अच्छा लगे इसमें। जैसे मैं फ्लाइंग को ऊपर करूँगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं ब्रांच से नहीं हूँ, तो किसी को भी कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे आपको सब कुछ सिलेक्ट करना होगा, कोर्सेज आपको कौन कौन सा लेना है, ठीक है, और लिखा हुआ है ऑल एलिजिबल कोर्सेज, ठीक है। आपको सबको यहाँ पर टिपेंगे तो आपको यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। मैं कैसे भी इसके बारे में देख सकते हैं, चूज़ के EKT, ठीक है, आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगर EKT कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, आप देख सकते हैं EKT आपका मैकेनिकल, ठीक है, जिससे आपका मेरा मैकेनिकल नहीं होगा, तो जैसे मैकेनिकल मैं सोने कर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को ये भी कंफर्म कर दे रहा हूँ, एप्लीकेबल जो है ना, इसका मतलब क्या होता है दिखा दूँ। देखो ये होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, अगर जैसे देखो ये मेरा पता क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिया है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों को मैंने लिया, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आया था। अगर मैं नहीं लूँगा देखो मेरा ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप लोग को ये ध्यान देना कि अगर आप लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग कर तो भी इसको ले, नहीं तो नहीं ले, ठीक है। देखो जैसे मैंने, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैं इस ब्रांच से हूँ ही नहीं, मैं जैसे कि मैं इन दोनों ब्रांच से बिलोंग नहीं करता हूँ, एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं हूँ, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से मैं भी नहीं हूँ, तो मैं इसे नहीं लिया, ठीक है। आप लोग का अगर है तो आप लोग ले सकते हैं। एयरविंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो नो, यहाँ पर भी आपको डू हैव यू अपीयर्ड इन SSB बिफोर, नो,
हाउ डू यू कम, यहाँ पर कोई भी लिख दीजिएगा सोशल मीडिया या फिर कुछ भी, ये सोशल मीडिया ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। हैव यू अपीयर गेट एग्ज़ाम, अगर आप 2020 बैच के अगर आपने गेट एग्ज़ाम किया है तो आप लोग यहाँ पर येस करके अपना मार्क्स जरूर इंटर कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग भी अपीयर करेंगे 2021 में, मैं गेट का भी वीडियो लेके आऊँगा गेट का भी, ठीक है। जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सब मैंने फिलअप कर लिया, फिर आपको सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नहीं नहीं यहाँ पर आपको सबको लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं ले रहा, वो सबमिट करने के बाद नहीं हो रहा है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर कोर्स डिटेल सेव सक्सेसफुली। आप उसके बाद देखो, तो अपना एड्रेस डालना है, सिलेक्ट आपका स्टेट का नेम, ठीक है, सिटी, पिन कोड, उसके बाद सब कुछ, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो होगा, लैंडलाइन नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। आधार कार्ड इज ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग जम्मू कश्मीर से, अगर बिलोंग करते हैं आसाम और मंगलिया से तो आप लोग के लिए कोई ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है। आधार कार्ड जो अदर स्टेट के हैं वो लोग डालेंगे। इच्छे की फिर आपको यहाँ पर चेक कर देना अगर आपका सेम है तो, अगर आप मान लीजिए रहते हैं कोलकाता में, अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर घर है आपका बिहार तो उसके हिसाब से आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपलोड करना है इमेज एज़ पर द गिवन गाइडलाइन, आपको इसमें आपको एक इमेज अपलोड करना है, उसका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसका देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए केवल लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन होना चाहिए, वोमेन का राइट हैंड, मतलब जो अगर आप बॉय हो तो आपको लेफ्ट हैंड का, और जो गर्ल्स है उसको राइट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है, ठीक है। बॉयज़ को लेफ्ट, वोमेन को जो गर्ल है उसको राइट हैंड का थंब देना है। फिर आपको फोटो अपलोड करना है, साइज़ देख सकते हैं 100 KB से 50 KB तक होना चाहिए, अगर आपका अगर प्रिंटर है तो, ठीक है, नहीं तो फिर आप कहीं मतलब बाहर के दोस्त लोग से या फिर, ठीक है, वो निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब कुछ मैंने देख, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया अपना साइन और ये सब। उसके बाद सिंपल आपको सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो अपना आपको उसके बाद आपको ना स्टेट चुनना है। मैं अपना पहले अपना स्टेट चुन लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है, दुर्गापुर। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन होगा तो जलपाईगुड़ी का ऑप्शन एक है, आपको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। मेरा जो सामने पड़ रहा है मैं उसको ले लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपल सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका प्रीव्यू आएगा, एक बार आप प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे में देखेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर देखेंगे इसके बाद आपको सिंपल मेक पेमेंट करना है, पेमेंट स्टेटस के चेक करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन, उसके बाद पूरा एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट। फिर आपने उसके बाद अपना प्रिंटर निकाल लीजिएगा। होप करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और रावत मेरा तो मैं बहुत जल्दी अपना वीडियो को लेकर आऊँगा जिसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बहुत कुछ बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है, कि NCC को लेकर जब लोगों को जानने का इच्छा होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।